आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा ये बताते हुए कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये एक्स वाई जी बुक्स रीड करनी चाहिए। अगर आपको अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी हैक जानना है तो आपको ये एक्स वाई जी बुक्स रीड करनी चाहिए। अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, फाइनेंस पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको ये एक्स वाई जी बुक्स रीड करनी चाहिए। क्या आपने गाइस कितनी बार सुना है मुझे ये बताओ, आपने बहुत बार सुना है। बट द थिंग इज कि लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, आपने अभी तक लाइफ में कितने बुक रीड कर रखी है, क्या आप जानते हो? मे बी एक, मे बी दो, मे बी तीन, मे बी चार, या फिर उनसे भी कम, राइट गाइस? सो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? हम बुक्स लेकर तो आ जाते हैं बेसिकली, बट द थिंग इज कि हम उसको ओपन नहीं करते, या फिर अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हम एक से दो पेज के अंदर हमें जोर से अंगड़ाई लेते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम लेट जाते हैं और उस बुक को हम छोड़ देते हैं, या फिर हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते बुक पढ़ने के लिए। सो गाइस आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, और जिन क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा वो ये चार क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज why you don't read books, and the second question is why you should read books, and the third question is how you should read books, and the fourth or most important question here is which book you should read in the starting, right? Yeah, so make sure you keep video एकदम एंड तक देखो, because your content है वो top notch level का होने वाला है। The first one is guys why you don't read books. The first reason here is you don't have a strong reason why you should read books. आपके पास कोई strong reason नहीं है, कोई अच्छा कारण नहीं है कि आपको books क्यों read करने चाहिए। कारण क्या होने चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ like मैं हमारे next वाले point पे, but the thing is कि भी right now आपके पास कोई कारण नहीं है। Second चीज क्या है, आप books लेके तो आते हो but the thing is कि आप read नहीं करते, just because कि आप अपने आपको एक बहुत ही गंदा reason देते हो, you don't have enough time to read books. जस्ट बिकॉज की जो प्रायरिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आपकी प्रायरिटीज में बुक रीडिंग नहीं है। आपकी प्रायरिटीज में बुक रीडिंग क्यों नहीं है? बिकॉज बुक रीडिंग आपके प्रायरिटीज में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। एंड द थर्ड रीजन हियर इज आपको लगता है कि हायर लाइफ में मेरे इंपॉर्टेंट तो है बुक्स, ठीक है, मैं रीड करना भी चाहता हूँ, मुझे करना भी है, आपको चीजें पता भी है, बट फिर भी आप रीड करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पॉइंट्स। पहली चीज तो ये, आप एक सोशल पर्सन बन चुके हो या फिर आप एक सोशल मीडिया पर्सन बन चुके हो। अगर आप एक सोशल मीडिया पर्सन बन चुके हो कहीं ना कहीं आप अपना रिटेंशन खो रहे हो, मतलब कि आप अगर आप एक से दो से तीन पेज पढ़ोगे वहां पर पता क्या होगा, वहां पर दिक्कत ये आएगी कि आप टोटली रिटेन नहीं कर पाओगे कम से कम आधे या फिर एक घंटे के लिए कभी भी अगर आप बुक रीडिंग कर रहे होगे तो। अगर आप एक सोशल पर्सन बन चुके हो, आपका बाहर जाना आना मिलना मिलना बहुत ज्यादा पा रहा है, कहना चाहिए वो चीज भी आपको इफेक्ट करता है, आप बुक रीडिंग कर पाते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। सो गाइस ये सारे रीजंस होते हैं कि आप बुक क्यों नहीं रीड कर पाते हो। नाउ द पॉइंट ये है, चलो ठीक है भाई हम समझ गए हैं कि हम इन एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से बुक रीडिंग कर पाते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ठीक है, हम अपने आपको एक्सक्यूज देते हैं, या फिर हम एक सोशल मीडिया पर्सन बन चुके हैं, फिर हम एक सोशल पर्सन बन चुके हैं। चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ बेसिकली, बट हम करें क्या? वेल गाइस हमारा एक चौथा रीजन भी आता है, वो ये आता है कि हमने इनिशियली एक कोई ऐसी हार्ड बुक रीड कर ली है, या फिर इनिशियली हमने कोई ऐसी बुक रीड कर ली है जिसको 5 से 6 या फिर 50 से 60 पेजेस पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं यार ये वर्थ रीडिंग नहीं है, आज के बाद मेरा बुक बिल्कुल रीड नहीं करूंगा, इतने हार्ड वर्ड्स है इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ये गलती भी लोग करते हैं कि फर्स्ट बुक को ही इतना हार्ड उठा लेते हैं या फिर वो उससे रिलेटेड नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने किसी और इन्फ्लुएंसर सुन रखा है इसलिए वो बुक पिकअप कर लेते हैं और रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस ये 4 से 5 रीजन है व्हाई यू डोंट रीड बुक्स, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इनमें से आपको कौन सा रीजन है। एंड द सेकंड पॉइंट हियर इज गाइस कि आपको बुक रीड क्यों करना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हियर इज गाइस, सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ना इलॉन मस्क से बेसिकली आपको एक दिन चाहिए, 24 आवर्स आपको चाहिए इलॉन मस्क के, आप बताओ इलॉन मस्क आपसे कितना चार्ज करेंगे अपने 24 आवर्स के लिए? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितना चार्ज करेंगे, $1 million, $10 million, $1 billion, आई रियली डोंट नो। मैं कभी न्यूज में खबर आ रहा है कि किसी ने इतने पैसे दे रखे हैं इलॉन मस्क को, बट अगर आप उनकी बेसिकली नेटवर्थ देखोगे या फिर अगर आप उनको प्रॉपर देखोगे इसी तरीके से, देन यू विल गेट टू नो कि अगर वो पर्सन किसी को अपने 24 आवर्स देगा भाई साहब वो तो उसका अंधा पैसा चार्ज करने वाला है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब ये पॉसिबल है कि आप उस पर्सन का 24 आवर्स दे सकते हो, उस पर्सन ने जो अपने लाइफ में लर्निंग कर रखी है वो सारे लर्निंग आप अपनी लाइफ में सीख सकते हो, कैसा रहेगा ये सेम चीज हो सकती है बुक से। आपको पता है इलॉन मस्क की बुक है, आप 24 आवर्स उनका ले सकते नहीं हो, नहीं जेफ बेजोस का, नहीं बिल गेट्स का, बट द थिंग इज कि उन लोगों ने बुक्स लिखी हुई है, आप उनकी बुक्स को आप रीड करके आप दुनिया के टॉप बिलियनर से सीख सकते हो बेसिकली कि वो कैसे वेल्दी पर्सन बन रखे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो गाइस कंपैरिजन क्या हो गया कि आप जो टॉप बिलियनर्स हैं
ठीक है, आप उनसे टाइम ले सकते नहीं हो, बट उनकी बुक रीडिंग करके आप उनके नॉवल, उनके लेवल तक की जो नॉलेज है आप उसको ग्रैब कर सकते हो। एंड गाइस सेकंड पॉइंट हियर इज कि आपको बुक क्यों रीड करनी चाहिए। गाइस आपको ना वर्ल्ड को देखने का आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है कि वो लोग इस तरीके से भी सोचते हैं, लोग इस तरीके से सोचते हैं। जिस बिकॉज की अगर आप बस एक रूम में बैठे रहोगे ना तो आपको लगेगा दुनिया बहुत छोटी है, बट जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने की कोशिश करोगे तब यू विल गेट टू नो कि ओ यार इस चीज को मैं ऐसे देख रहा था, बट द थिंग इज कि ये पर्सन इस चीज को ऐसे देख रहा है। देन यू विल गेट टू नो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर आप बुक्स रीड करते हो तो। एंड गाइस बुक रीडिंग के और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आप स्मार्ट होते हो, ठीक है, लाइक आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आप बहुत काम रहते हो, वो बेसिक रीजन भी है बेसिकली जो कि आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, जो कि टोटली अंडरस्टूड भी है, राइट। एंड तीसरा रीजन कि आपको क्यों बुक रीड करना चाहिए वो ये है, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में मेंटोर नहीं है, ठीक है, देन दैट्स व्हाई यू शुड रीड बुक्स। अगर मेंटोर है तब तो डेफिनेटली करना ही करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी आपको बुक को रीड करना चाहिए, बिकॉज आपके पास मेंटोर नहीं है लाइफ में तो वो बुक ही बेसिकली आपके मेंटोर है। एंड गाइस फोर्थ रीजन हियर इज बेसिकली देयर आर सो मेनी बुक्स लाइक रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप जाके बेसिकली उनका टाइम लोगे, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, वो सिंपल सी बात है, बट द थिंग इज कि उन्होंने अपने 50-60 साल लगाकर एक बुक लिखी है, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि बचपन में रिच डैड पुअर डैड वो सारी चीजें उन्होंने लिखा हुआ है। एंड द थिंग इज कि आप उसी बुक से उनके पूरे जर्नी के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस एक बुक से बेसिकली आप उस पर्सन के 0 से लेकर 50 साल तक की जर्नी को टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। सो कहने का मतलब गाइस ये है कि आप किसी और पर्सन की लाइफ जी रहे हो एक तरीके से उस बुक को रीड करके। सो गाइस देयर आर टर्म्स ऑफ रीजन व्हाई यू शुड रीड बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे आपको, आप बेसिकली टॉप बिजनेस का टाइम दे रहे हो तरीके से, आप एक 60 साल के पर्सन की पूरी 0 से लेकर 100 तक जिंदगी जी रहे हो, एंड एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई यू शुड रीड बुक्स। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर जो कि है बेसिकली हाउ वी शुड रीड बुक्स, हमें बेसिकली रीड कैसे करना चाहिए बुक्स को। गाइस फर्स्ट पॉइंट हियर इज स्टार्ट रीडिंग यार, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग। पता है कुणाल सर से बेसिकली एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि एनी 3 बुक रिकमेंडेशन जो कि आप देना चाहो अपने साइड से उन लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला मैं कोई बुक रिकमेंडेशन नहीं करने वाला हूँ, फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग, सिंपल, पहले बस रीडिंग करना स्टार्ट करो भाई साहब, कोई तरीका नहीं है, बस अगर आपको मन नहीं भी कर रहा फिर भी एक हफ्ते एक बुक को लेकर बैठे रहो चुपचाप सही तरीके से, एंड धीरे धीरे कोशिश करो अपने बिल्ड करने के लिए उस हैबिट को बुक रीडिंग की। सो गाइस हम डायरेक्टली हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो चीज हाउ वी शुड रीड बुक्स। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका जो बुक है ओके उससे जो ऑथर है, सपोज करो कि आपकी बुक है वो रिच डैड पुअर डैड है, तो उसके ऑथर है वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हो तो फर्स्ट डू वन थिंग, जो उस बुक के ऑथर है उनका जगह कोई टेडेक्स देखो, उनका जगह कोई ब्लॉग रीड कर लो, कोई उनकी वीडियो देखो, जस्ट बिकॉज इन लोगों को अगर आप उनकी वीडियो देखते हो, कोई ब्लॉग रीड करते हो, देन आपको उस पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ में आता है और वो पर्सन कैसा कॉन्टेंट देने वाला है अपने बुक के अंदर आपको ये रियलाइज होता है। देन यू विल गेट टू नो कि एक्जैक्टली ये बुक मेरे लिए है या फिर ये बुक मेरे लिए नहीं है। सो कभी भी अगर आप कोई बुक चूज कर रहे हो रीड करने के लिए या फिर किसी ने आपको रिकमेंड किया, करना क्या आपको पहला स्टेप कि आप उस ऑथर के बारे में रीड करना चालू करो। सपोज करो कि आपको वो ऑथर अच्छे लग गए तो आप क्या करोगे उस पर्सन के बारे में पहले स्टडी करोगे। राइट नाउ मैं जो बुक रीड कर रहा हूँ वो है 0 to 1 ओके, तो मैंने उनके पहले ऑथर के बारे में बेसिकली रीड करना चालू किया, उसके बाद जाके मैंने क्या किया लाइक उस बुक को प्रॉपर रीड करना स्टार्ट किया। सेकंड चीज क्या है गाइस यहाँ पर, अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके ना उसका जो एक्नॉलेजमेंट है और इंडेक्स है उसको प्रॉपर रीड करो उसी तरीके से। एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स, देखो टॉपिक क्या क्या है और जो टॉपिक है ना जो आपको लग रहा है कि वो टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको चैप्टर 1 चैप्टर 8 चैप्टर 10 15 ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर लो प्रॉपर सही तरीके से और आपको सारे पढ़ने सही तरीके से, आपको सारे चैप्टर पढ़ने बट उन 4 चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग से रीड करना है लाइक एनीथिंग। ऑलराइट, एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर बुक, जरूरी नहीं है कि आप पूरी कंप्लीट करो बुक को तभी जाके आपके पास नॉलेज आ पाएगी, जरूरी नहीं है। मैं ये बहुत सारे बुक्स कंप्लीट नहीं करता हूँ, सो इट्स टोटली फाइन अगर आप बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो। राइट, एंड गाइस आप जाहिर सी बात है आपको एक तरीका होता होगा नोट्स बनाने का कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अंडरलाइन करता हूँ क्या नाम है मार्कर से वहां पर, तो जैसे मेरी बुक खत्म होती है, बुक खत्म होने के एक वीक के बाद आप क्या करो जो अपने मार्कर से बेसिकली वो लाइनिंग मार्क कर रखी होगी उस बुक को निकाल के ना आप एक घंटा लेकर उसको दोबारा रीरीड करो, बहुत बेस्ट रहेगा। सो गाइस दिस इज हाउ यू शुड रीड बुक्स एंड दिस इज हाउ आई रीड बुक्स। नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको बेसिकली कौन कौन सी बुक्स को रीड करना चाहिए। वेल गाइस देयर इज अ नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, सिंपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी साइड से। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज स्टार्ट रीडिंग, दैट्स इट। तो गाइस पहले से ये हैबिट बिल्ड करना चालू करो, कोई भी एक बुक उठाओ
उसको रीड करो, मे भी अच्छा ना लगे बेसिकली, बट आई थिंक उसको रीड करना चालू करो स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से। बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं आपको दो रिकमेंडेशन देता हूँ जो कि आपको रीड करना चाहिए। जो पहली बुक है बेसिकली वो है डू एपिक शिट, डू एपिक शिट विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक रीड कर रखी है। अंकुर वारिको सर ने लिखी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है यार, आप डेफिनेटली रीड करो। जो सेकंड बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, जो कि मोस्टली पर्सन की फर्स्ट बुक है। एंड गाइस तीसरी बुक एक और है जिसका नाम है ई डैड फ्रॉग, आप बेसिकली इसको भी रीड कर सकते हो। एंड गाइस सिंपल है, मे बी आप बोर हो जाओ स्टार्टिंग में रीड करने के लिए, बट अपने डेली टास्क में उसको लिखा करो कि मुझे 1 आवर या फिर 35 मिनट बुक रीडिंग देनी है। अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, जब भी मैं बेसिकली बुक रीड करता था ना, मैं सोचता था कि बस रीड करना है मेरे को, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कोई वाली बात नहीं है, पहले मुझे हैबिट बनानी थी बैठकर उस किताब को लेकर सामने देखने के लिए, राइट। तो मैंने कम से कम एक दो मंथ ऐसे किया, फिर मैंने क्या किया उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चालू किया, फिर उसको मैंने समझ के फिर लोगों को और बताने मैंने चालू कर दिया स्टेप बाय स्टेप। तो क्या है, पहले हैबिट बिल्ड करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप सभी लोग उन चीजों को अंडरस्टैंड करना चालू कर देंगे। एंड गाइस राइट नाउ मैं एक और चीज करता हूँ आजकल, वो ये है कि जब भी मैं कोई बुक रीड करता हूँ ना, तो साथ में उसका ऑडियो बुक सुनता हूँ साथ ही, मतलब पैरेलल नहीं, सपोज करो कि मैंने बुक मॉर्निंग में रीड किया तो मैं नाइट में या फिर इवनिंग में वॉक करते करते मैंने उसको ऑडियो बुक सुन लिया, तो उससे क्या होता है कि वहां से भी सीख रहे हैं यहाँ से भी सीख रहे हैं। सो गाइस आई होप कि आप सभी लोगों को इन चारों क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, लाइक व्हाई यू डोंट रीड बुक्स, ओके, हाउ यू शुड रीड बुक्स, व्हिच बुक यू शुड रीड, एंड चौथा हमारा पॉइंट क्या था, व्हाई यू शुड रीड बुक्स, राइट गाइस। सो आई होप यू जस्ट लव द वीडियो, मेक श्योर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, एंड कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। एंड गाइस सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के साथ जिसको आप जानते हो उसके साथ ही वीडियो शेयर कर दो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।